फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेज़ा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेजा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है तो जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम कवेल्ज भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेज़ा वो मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेज़ा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक फिल्म्स, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंजल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफबीआई स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट टी थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन रेटिंग आईएमडीबी पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैख नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आईएमडीबी पर और कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो Roku पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के और टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्ों ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेज़ा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्र्यू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पा, पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेजा वू मूवी में सैनैटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ से इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैज़ा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पौला पैटर्न ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किल्मर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेगजेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेज़ा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट टी थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आईएमडीबी रेटिंग की बात की जाए कि कितना आईएमडीबी पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग आईएमडीबी पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आईएमडीबी पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेज़ा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डैजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आप आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेज़ा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज़ ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्र्यू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रोसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम तो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है। कैम, की, है की बात करें तो डेजा वो मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वू मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डेज़ा वो, वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पौला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफबीआई स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैरोल एयर स्टैंडर्ड का करेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का करेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का करैक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन कर रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैख नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रॉकू पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेजा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वो मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वो मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्र्यू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डैजा वू मूवी को लिखा है बिल मारसिली ने एंड टैरी रॉसीओ ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पै देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम क्वेलजेल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात करें तो डेजा वू मूवी में सनमैटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवेंजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेज़ा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर फिल्मस स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डेज़ा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवम्बर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैरोल एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू थाउजेंड सिक्स में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफी ज्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेज़ा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेज़ा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम कवेल्ज भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेज़ा वो मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेज़ा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ से इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक फिल्म्स, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटर्न ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेज़ा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफी ज्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन का रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ऑर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वो मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेजा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और, और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पा, पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम कवेल्ज भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेजा वो मूवी में सनमैटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर फिल्मस स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंजल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेज़ा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है और यह यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट टी थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन रेटिंग आईएमडीबी पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैख नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आईएमडीबी पर और कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो Roku पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हु के और टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्ों ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेज़ा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्र्यू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और प्रोड्यूस produce, प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेजा वू मूवी में सैनैटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैज़ा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पौला पैटर्न ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किल्मर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेज़ा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट टी थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आईएमडीबी रेटिंग की बात की जाए कि कितना आईएमडीबी पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग आईएमडीबी पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आईएमडीबी पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेजा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वो मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डैजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेज़ा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज़ ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्र्यू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रोसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पै देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम तो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है। कैम, की, है की बात करें तो डेजा वो मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वू मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डेज़ा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पौला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किल्मर ने एफबीआई स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैरोल एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन कर रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैख नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो Roku पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेजा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वो मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रोसियो ने और, और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पा, पै देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम तो वेल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी तो है। कैम, की, है की बात करें तो डेजा वो मूवी में सनमैटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैरोल एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू थाउजेंड सिक्स में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफी ज्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेज़ा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेज़ा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम कवेल्ज भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेज़ा वो मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेज़ा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ से इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक फिल्म्स, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट तो तो है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटर्न ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेज़ा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफी ज्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन का रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ऑरिटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वो मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वो मूवी में देख सकते हो कि उन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज़ ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को लिखा है बिल मारसिली ने एंड टैरी रॉसीओ ने और, और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात तो की जाए तो डेजा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैनजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैटर्न देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम क्वेलजेल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो डेजा वो मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रेस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डैजा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज से इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर फिल्मस स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंजल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की, की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट टी थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन रेटिंग आईएमडीबी पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैख नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आईएमडीबी पर और कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रॉकू पर देख सकते हो एंड एम Player प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हु के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेज़ा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्ों ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेज़ा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्र्यू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेजा वू मूवी में सैनैटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर फिल्म स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैज़ा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डैजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पौला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैरोल ऑर स्टैंडर्ड का करेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का करैक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का करैक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट टी थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आईएमडीबी रेटिंग की बात की जाए कि कितना आईएमडीबी पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग आईएमडीबी पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आईएमडीबी पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेजा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वो मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डैजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेज़ा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्र्यू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पा, पै देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम तो भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है। कैम, की, है की बात करें तो डेजा वो मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वू मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डेज़ा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पौला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किल्मर ने एफबीआई स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैरोल एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन कर रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैख नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो Roku पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के और टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेजा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वो मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आप आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रोसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम तो वेल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेज़ा वो मूवी में सनमैटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेज़ा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर फिल्मस स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटर्न ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैरोल एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू थाउजेंड सिक्स में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफी ज्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेज़ा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम कवेल्ज भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेज़ा वो मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेज़ा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ से इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक फिल्म्स, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटर्न ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेज़ा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफी ज्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन का रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ऑरिटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वो मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेजा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और प्रोड्यूस produce, प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम कवेल्ज भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेजा वो मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर फिल्मस स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंजल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डैजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फ़िक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है और ये यह मूवी रिलीज हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट टी थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन रेटिंग आईएमडीबी पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैख नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आईएमडीबी पर और कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रॉकू पर देख सकते हो एंड एम Player प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हु के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेज़ा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेज़ा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेजा वू मूवी में सैनैटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैज़ा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसर वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पौला पैटर्न ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किल्मर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेगजेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेज़ा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट टी थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आईएमडीबी रेटिंग की बात की जाए कि कितना आईएमडीबी पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग आईएमडीबी पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आईएमडीबी पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेजा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डैजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वो मूवी में देख सकते हो कि ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज़ ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्र्यू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डैजा वू मूवी को लिखा है बिल मारसिली ने एंड टैरी रॉसीो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैनजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैटर्न देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम कवेल्जल भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात करें तो डेजा वो मूवी में सनमैटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट की है इस मूवी को क्रिस लेवेंजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर फिल्मस स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डेजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पौला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किल्मर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन कर रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो Roku पर देख सकते हो एंड एम Player प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वो के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेज़ा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रोसियो ने और, और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पा, पै देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम कवेल्ज भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेजा वो मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वो मूवी का म्यूजिक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफ कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसर वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पौला पैटर्न ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफबीआई स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैरोल ऑर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी टू थाउजेंड सिक्स में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफी ज्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेज़ा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वो मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम कवेल्ज भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेज़ा वो मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेज़ा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ से इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक फिल्म्स, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटर्न ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेज़ा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफी ज्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन का रेटिंग आई पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आई पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ऑरिटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वो मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वो मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेजा वो मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्रू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रोसियो ने और, और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पै, पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम कवेल्ज भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेज़ा वो मूवी में सनमैटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेज़ा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक फिल्म्स, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैजा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंजल वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पाउला पैटॉन ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किलमर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेक्जेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेजा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट टी थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आई रेटिंग की बात की जाए कि कितना आई पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को सेवन आउट ऑफ टेन रेटिंग आईएमडीबी पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैख नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आईएमडीबी पर और कहां पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो Roku पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के और टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेज़ा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई मूवी डेज़ा वू के बारे में डेज़ा वू मूवी बड़े ही 2006 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डेजा वू मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डेजा वो मूवी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2006 में रिलीज़ हुई डेज़ा वो मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आई पर डेज़ा वो मूवी को कितना रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है फुल डिटेल में बात करेंगे मतलब कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में डेज़ा वो मूवी का रिव्यू मिलने वाला है साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से एक्टर आप डेजा वू मूवी में देख सकते हो किन्ों ने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है मतलब कि फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में भी आपको बताएंगे कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है एंड कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो डेज़ा वू मूवी को डायरेक्ट किया है टॉनी स्कॉट ने टॉनी स्कॉट जो कि एक इंग्लिश फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कि 1986 में टॉप गन मूवी को डायरेक्ट किया था एंड 1990 में डेज ऑफ थंडर मूवी को डायरेक्ट किया था 1993 में ट्र्यू रोमांस मूवी को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था राइटर की बात की जाए तो डेजा वू मूवी को लिखा है बिल मार्सिली ने एंड टैरी रॉसियो ने और, और प्रोड्यूस प्रोड्यूसर की बात की जाए तो डेज़ा वो मूवी को प्रोड्यूस किया है जेरी ब्रक हैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो इस मूवी में लीडिंग रोल में डैजल वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वाल किलमर देखने को मिल जाते हैं पौला पैल पैटॉन देखने को मिल जाते हैं ब्रूस ग्रीनवुड देखने को मिल जाते हैं एदाम गोल्ड देखने को मिल जाते हैं एंड जिम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी तो है कैम, की, है की बात करें तो डेजा वू मूवी में सैनैटोग्राफी की है पॉल कैम कैमरॉन ने और एडिट किया है इस मूवी को क्रिस लेवनजन ने और म्यूज़िक की बात करें तो डेजा वो मूवी का म्यूज़िक किया है हैरी ग्रैक्सन विलियम्स ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के टच स्टोन पिक्चर्स जेरी ब्रक हैमर स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डैज़ा वो मूवी को बाउना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का ट्वेंटी टू नवंबर टू थाउजेंड सिक्स रनिंग टाइम है डेजा वो मूवी का वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स मिनट्स और इस मूवी को 75 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था 2006 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 180.6 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कास्ट की बात करें तो डेंसर वाशिंगटन ने लीडिंग रोल पर ए टी एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है पौला पैटर्न ने क्लेयर कुजेवर का कैरेक्टर निभाया है बैल किल्मर ने एफ स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर निभाया है जिम काविंजल ने कैर एयर स्टैंडर्ड का कैरेक्टर निभाया है अदाम गोल्डवर्ग ने डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी का कैरेक्टर निभाया है एल्डन हेल्सन ने गुनार्स का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एरिका अलेगजेंडर ने शांति का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जॉनर की बात करें तो डेज़ा वो मूवी एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है और यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2006 में काफ़ी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और यह मूवी ट्वेंट टी थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड सिक्स में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को प्यार दिया था और टॉनी स्कॉट के कमाल की डायरेक्शन आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ एक्ट्रेस का भी कमाल का परफॉर्मेंस देख सकते हो इस मूवी में पूरी ही टीम ने डेजा फू मूवी को कमाल का बनाया है आप को जरूर से यह साइंस फिक्शन एक्शन मूवी पसंद आएगी आईएमडीबी रेटिंग की बात की जाए कि कितना आईएमडीबी पर इस मूवी को रेटिंग मिला है तो इस मूवी को 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग आईएमडीबी पर मिला हुआ है और इस मूवी को लगभग थ्री लैक नाइनटीन थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है आईएमडीबी पर और कहाँ पर आप इस मूवी को देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप एमज़ोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ डिजनी प्लस पर देख सकते हो रोकू पर देख सकते हो एंड एम एक्स प्लेयर पर भी देखने को मिल जाएगी आपको और इस मूवी को आप हुल्लू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको डेजा मूव मूवी आएगी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है इस मूवी में सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार डेजा बू के इस मूवी रिव्यू को एक बार आ, लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें